तो आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, सभी क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बन रहिएगा, साथ ही साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले डिस्क्रिप्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया, किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को डैश के द्वारा बदला जा सकता है, यानी कि चक्रण को दिशा को कैसे बदलेंगे। यानी कि जैसे समझ लीजिए मोटर है ना, मोटर है और ये इस दिशा में यानी कि घूम रहा है, इसको हमको यानी कि इस दिशा में घुमाना है, तो क्या करना होगा। सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया है, चल या प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनल को किसी में टर्मिनल के में बदलाव, ठीक है, यानी कि किसी एक में बदलाव अगर करेंगे तो यानी कि उसका चक्रण की दिशा बदल जाएगा, ठीक है भाई, ये तो हो सकता है। बी में फेज के क्रम को उल्टा करके, तो फेज के क्रम को उल्टा करेंगे तो इसका रोटेशन की दिशा नहीं बदलेगा। न संधारित टर्मिनल में परस्पर बदलाव किया जाएगा, फिर भी नहीं इसका रोटेशन की दिशा बदल जाएगा। डी में दिया फेज और न्यूट्रल के परस्पर परिवर्तन से, इसको भी अगर परिवर्तन किया जाएगा तो दिशा जो है वो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, यानी कि चल या प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनलों के में यानी कि बदलाव, किसी एक को अगर बदलेंगे तो इसका रोटेशन की दिशा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका इस सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में आप केंद्रीय शीर्ष डैश में जोड़ा जाता है। और दोस्तों यानी कि अब केंद्रीय शीर्ष जो जुड़ा रहता है ना, आप केंद्रीय शीर्ष जुड़ा होता है मेनली रूप से स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीनी में रहता है, ठीक है, किसके साथ, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ किस में रहता है, यानी कि सीनी में रहता है, सीरीज में रहता है। ऑप्शन किस में दिया है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में। ए में कह रहा है रनिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में, तो रनिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में नहीं होता है, ना स्टार्टिंग वाइंडिंग के समानांतर में होता है, ना रनिंग वाइंडिंग के समानांतर में होता है, ये जो होता है दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एसी और डीसी आपूर्तियों दोनों पर कौन सा मोटर कार्य कर सकता है, यानी कि एसी पे भी और साथ ही साथ यानी कि डीसी पे भी, और एसी और डीसी पे जो वर्क करेगा यानी कि यूनिवर्सल मोटर वर्क करेगा, कौन सा मोटर, यूनिवर्सल यानी कि मोटर वर्क करेगा। ए में कह रहा है यानी कि कंपाउंड मोटर, तो कंपाउंड मोटर वर्क नहीं करता है, ना हिस्टेसिस मोटर वर्क करेगा, ना सेरेबल मोटर वर्क करेगा, एसी और डीसी दोनों पे यूनिवर्सल मोटर जो है यानी कि एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि क्वेश्चंस में स्टेपर मोटर एक डैश होता है, ठीक है ना, स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर क्या होता है दोस्तों, तो स्टेपर मोटर क्या होता है ना, अगर स्टेपर मोटर की बात किया जाए तो यह मोटर जो है सिंगल फेज एसी मोटर होता है, क्या होता है, यानी कि सिंगल फेज यानी कि एसी मोटर होता है, ठीक है, एसी मोटर होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में जो दिया है थ्री फेज मोटर, तो थ्री फेज मोटर नहीं होता है स्टेपर मोटर, ना टू फेज मोटर होता है, ना डीसी मोटर होता है, ये जो होता है सिंगल फेज मोटर होता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी एकल फेज पेन मोटर की शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच का विद्युतीय कोण डैश होता है, यानी कि सिंगल के कारण किसका, यानी कि सिंगल फेज का, और सिंगल फेज की अगर बात किया जाए तो 90 डिग्री होगा, है ना, वहीं पर थ्री फेज की अगर बात किया जाए तो यानी कि 120 डिग्री होगा। तो इसमें सिंगल फेज की बात कर रहा है तो यानी कि 90 डिग्री होगा। ऑप्शन किस में दिया है 90 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया है 90 डिग्री। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच डैश में जुड़ा हुआ होता है, किसका, यानी कि सिंगल फेज का। और दोस्तों यानी कि सिंगल फेज मोटर में जो कैपेसिटर जरूर जुड़ा होता है ना, जो कैपेसिटर शीर्ष जो जुड़ा होता है, यानी कि संधारित्र शीर्ष जो जुड़ा होता है, कैसे जुड़ा होता है और किसके साथ जुड़ा होता है दोस्तों, यानी कि ये जो जुड़ा होता है ना, मेनली रूप से देखा जाए तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीनी में जुड़ा होता है, किसके साथ, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा होता है, जो कि ए में कह रहा है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ समानांतर में, तो समानांतर में नहीं जुड़ता है, ना रनिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जुड़ता है, ये जो जुड़ता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीनी में जुड़ा होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है,
एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं, यानी कि स्टेपर है ना, स्टेपर यानी कि मोटर के यानी कि घूर्णन में जो यानी कि छोटे स्टेप होता है कितना होता है। और देखिए ये छोटे स्टेप की अगर बात किया जाए तो ये जो होता है यानी कि 200 का होता है छोटा स्पीड, कितना 200 का होता है। ए में कह रहा 400, तो 400 तो ज़्यादा है भाई, ये जो होगा यानी कि 200 का होता है जो कि ऑप्शन बी में दिया है। दूसरा राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण मोटर डैश द्वारा स्वचालित की जाती है, यानी कि उद्योगों में कह रहा है और उद्योगों की बात हो गई, यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिंगल फेज मोटर का। तो सिंगल फेज मोटर जो वर्क करता है मेनली रूप से है ना, ये देखा गया है यानी कि सिंगल फेज यानी कि DOL के द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। क्या होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि डायरेक्ट सिंगल फेज यानी कि DOL स्टार्टर से, यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, डैश मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है, ठीक है, यानी कि मिक्सर में भी और साथ ही साथ यानी कि ग्राइंडर में भी है ना। और मिक्सर ग्राइंडर में दोस्तों यानी कि जो प्रयोग किया जाता है यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका? यूनिवर्सल मोटर की हिंदी की अगर बात किया जाए तो सार्वभौमिक मोटर होता है। ए में दिया है शंट मोटर, तो शंट मोटर का प्रयोग नहीं होता है, ना कैपेसिटर का प्रयोग होता है, ना सिलेंडर मोटर का प्रयोग किया जाता है, दोनों में ओनली फॉर यूनिवर्सल मोटर पे चलाते हैं इसको, है ना। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टार्टिंग और टर्निंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर डैश होता है, किसके साथ? यानी कि स्टार्टिंग के साथ और साथ ही साथ यानी कि रनिंग के साथ। और स्टार्टिंग और रनिंग के बीच यानी कि फेज अंतर जो होता है, यहाँ पे सिंगल फेज की डिस्कस कर रहा है, यहाँ पे ना थ्री फेज का यानी कि डिस्कस कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग और रनिंग का रहा है। तो इस दोनों के बीच यानी कि फेज अंतर की बात किया जाए तो 90 डिग्री का होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है 90 डिग्री। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिक्षेप स्टार्टर प्रेरण मोटर डैश होता है, यानी कि प्रतिक्षेप स्टार्ट प्रेरण मोटर क्या होता है उसके बारे में हमको बताना है दोस्तों। यानी कि ये जो होता है यानी कि सिंगल फेज एसी मोटर होता है। कौन सा? सिंगल फेज यानी कि एसी मोटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है? सिंगल फेज एसी मोटर। ए में करा डीसी मोटर, तो डीसी मोटर नहीं होता है ना, यानी कि शंट मोटर होगा, ना सीरीज मोटर होगा, ये जो होगा यानी कि सिंगल फेज एसी मोटर होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में, निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखों में किया जाता है, ठीक है, यानी कि छत के पंखे में जो मोटर प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है। तो छत के पंखे में जो मोटर प्रयोग किया जाता है, स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका? ठीक है ना, अस्थायी कैपेसिटर मोटर का यानी कि प्रयोग करते हैं। अस्थायी यानी कि कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कर सिलेंडर मोटर, तो सिलेंडर मोटर का प्रयोग नहीं करते, ना यूनिवर्सल मोटर का। अस्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है छत के पंखे में, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है, यानी कि यूनिवर्सल मोटर का जो विशेषता है उसके बारे में बताना है। और यूनिवर्सल मोटर का विशेषता मेनली रूप से अगर देखा जाए, ए में कह रहा है उच्च शुरुआती अघूर्ण और परिवर्तनीय गति, ठीक है भाई, उच्च शुरुआती अघूर्ण तो होता है, साथ ही साथ इसका जो गति होता है परिवर्तनीय गति होता है, ठीक है ना। बी में कह रहा है यानी कि उच्च शुरुआती गति और स्थिर गति, तो स्थिर गति इसका नहीं होता है सिंगल फेज का। कम शुरुआती बल अघूर्ण और स्थिर गति, तो स्थिर गति भी नहीं होता है भाई ना, कम शुरुआती नहीं होता है यानी कि ज़्यादा शुरुआती होता है। तो ये भी यानी कि यहाँ से यहाँ तक पर्सन गलत है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक क्या है सही है। तो हमको सही पूरा यानी कि सही होना चाहिए, जिस जो कि ऑप्शन ए में दिया है, उच्च शुरुआती बल अघूर्ण और साथ ही साथ परिवर्तनीय गति। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए विकल्प में से कौन सर्वेतिक मोटर हेतु गति नियंत्रण विधि नहीं है, ठीक है, यानी कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि नहीं है उसके बारे में हमको बताना है। और ये जो विधि होता है दोस्तों, ए में कह रहा है अपकेंद्रीय तंत्र के द्वारा, तो यानी कि नियंत्रित किया जाता है, प्रतिरोध के द्वारा भी और अभिकेंद्रीय तंत्र के द्वारा, लेकिन वोल्टा नियंत्रण विधि के द्वारा ही है, ये विधि जो है नहीं है सर्वेतिक मोटर का। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडली में डैश होती है, यानी कौन सा, यानी कि विभक्त में है ना,
विभक्त फेज मोटर में यानी कि चालक कुंडली में क्या होता है? तो देखिए चालक कुंडली की अगर बात किया जाए तो यानी कि उच्च एल और निम्न आर होना चाहिए। उच्च जो है यानी कि दोस्तों यानी कि एल और यानी कि निम्न जो होगा यानी कि आर होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है यानी कि उच्च एल और निम्न आर। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सर्वेतिक मोटर का एक अनुप्रयोग नहीं है? ठीक है, तो सर्वेतिक मोटर का अनुप्रयोग क्या नहीं है उसके बारे में हमको बताना है। ए में जो दिया हुआ है, ठीक है, ए में कह रहा है कि सुरुआ है वर्मा में, तो सुरुआ वर्मा में इसका प्रयोग किया जाता है। मिक्सर में भी करते हैं, सिलाई मशीन में भी किया जाता है, लेकिन वाटर पंप में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। राइट आंसर नहीं वाला पहचाना था, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब मोटर प्रतिवर्ती धारा एसी आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघात वोल्टता को कम करने के लिए सर्वेतिक मोटर में डैश कुंडली या वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं हम? ठीक है, अगर उपयोग की बात है तो यानी कि प्रतिपूरक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? यानी कि प्रतिपूरक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और मंदक का उपयोग नहीं करते हैं ना, प्रतिघाती का उपयोग करते हैं, प्रतिपूरक का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सर्वेतिक मोटर की गति या भार विशेषता डैश मोटर की तरह ही परिवर्तित होती है, है ना। तो देखिए दोस्तों, इसकी भार गति की अगर बात किया जाए और ये जो परिवर्तित होता है अतिरिक्त धारा श्रेणी मोटर के द्वारा, है ना, डीसी यानी कि श्रेणी मोटर के द्वारा, जिसको अतिरिक्त धारा श्रेणी मोटर कहा जाता है। एम अगर अतिरिक्त धारा शंट मोटर, तो शंट मोटर के द्वारा नहीं होता है, अतिरिक्त धारा श्रेणी मोटर के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न है, सर्वेतिक मोटर शून्य भार पर डैश पर चलती है, यानी कि सर्वेतिक मोटर जो है यानी कि शून्य भार पे कौन सा गति पे चलता है? तो ये जो चलता है दोस्तों यानी कि उच्च गति पे चलता है। क्या? उच्च यानी कि गति पे चलता है। ऑप्शन किस में दिया है? उच्च गति, ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डैश मोटर का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी कि किसका होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से ए में का संधारित चलित, बी में है संधारित परिवर्तित, सी में है प्रतिरोध विभक्त कला, और डी में या यानी कि छानबीन पुल। तो सबसे ज़्यादा जो पावर फैक्टर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, तो संधारित यानी कि चलित जो है दोस्तों, ठीक है, संधारित यानी कि चलित का पावर फैक्टर यानी कि ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू इस तीनों की अपेक्षा। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में दिया हुआ है संधारित चलित। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।